नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे दिलीप। बस मन किया कि आप लोगों से हाल चाल ले लूँ। दिवाली की शॉपिंग हो गई या नहीं? पटाखे आपने खरीदे या नहीं? बम आपने खरीदे या नहीं? खरीद लिया होगा। पड़ोसियों को परेशान करने की पूरी जिम्मेदारी आपने उठा ली है इस दिवाली। ये दियों की दिवाली है, ये रोशनी का त्यौहार है भाई, ये मोहब्बत का त्यौहार है। जंग पे नहीं जाना है। आपको लग रहा होगा कि फिर आ गया ज्ञान देने। कोई ना कोई हर त्यौहार को आ जाता है ज्ञान देने। क्यों भाई, क्यों ज्ञान न दें तो क्यों न करें? आपको पता है कि आपका पड़ोसी अस्थमा से जूझ रहा है, आपका दूसरा पड़ोसी जो बुजुर्ग है उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, शोर से कितनी परेशानी होती है। आपको ये नहीं पता है, पॉल्यूशन, पैसा खर्च, फिजूल खर्च। रोशनी का त्यौहार है भाई साहब, मोहब्बत का त्यौहार है भाई साहब। क्यों, क्या जरूरी है? नहीं, आपको लग रहा होगा ज्ञान देने आया है, तो हाँ ज्ञान देने आया हूं। आप इसको, अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगता है तो भी अच्छी बात है। लेकिन एक सजग नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने देश को हम सुरक्षित रखें। जैसे हमने इतने महीने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लॉकडाउन में हम रहे हैं, वैसे क्या इस त्यौहार को भी हम प्यार से, सौहार्द से और मिठाई बांटकर नहीं मना सके? एक सजग नागरिक होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने और अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें। ऐसे ही कोरोना काल से हम परेशान हैं, कोरोना से पीड़ित बहुत सारे लोग हैं हमारे आस पास, हमारे पड़ोस में हैं, तो थोड़ा सा और सब्र, एक त्यौहार और सही, प्यार से मना लें, पटाखे न जलाएं, सिर्फ दिए जलाएं और मिठाइयां बांटें, गले मिलें, मास्क लगा लें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।